आज की वीडियो में आपको सिद्धू मूसेवाला की मदर चरण कौर के गम के बारे में बताएंगे, जो सिद्धू की शादी की पूरी प्रिपरेशंस कर चुकी थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पॉपुलर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला सबको अपने आखिरी सफर पर छोड़कर जा चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला के बारे में यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें 30 राउंड्स ऑफ फायर उनके ऊपर शॉट किए गए और उनकी सिक्योरिटी एक दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वापस ली गई थी और अगले दिन ही उन्हें कत्ल कर दिया गया। सिद्धू वालों के फादर ने FIR में ये बात भी बताई है कि उन्हें लॉरेंस गैंग से बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिल रही थी और उनके बेटे को उस पर थ्रेट्स दी जा रही थी, बट स्टिल उनके बेटे को उन्हीं ने फिर आकर मार भी दिया। सिद्धू अपने फादर और अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, स्पेशली वो अपनी मदर चरण कौर से बहुत ज़्यादा क्लोज थे और उनको अक्सर सॉन्ग्स भी डेडिकेट करते रहते थे। सिद्धू की मदर चरण कौर इस समय बिल्कुल इनकंसोलेबल हैं और वो इस गम से निढाल हो चुकी हैं। उनसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा और वो सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें बेटे को इंसाफ चाहिए। सिद्धू मूसेवाला अपने पेरेंट्स के इकलौता बेटा था, जिसके लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हैं और इस समय वो खुद को संभाल नहीं पा रहे। सिद्धू मूसेवाले के घर पे इस समय पूरा गांव मौजूद है और वो उनको संभाल रहा है, बट वो दोनों नहीं संभल पा रहे। चरण कौर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सिद्धू मूसेवाला बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और वो उनकी शादी की प्रिपरेशन जनवरी 2022 से स्टार्ट कर चुकी हैं और उनके बेटे बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। उनके बेटे की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये एक लव मैरिज है। ऑल्दो अब तक सिद्धू मूसेवाला की होने वाली वाइफ के बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई थी, बट यही बताया गया था कि वो इंगेज हैं और बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और उनकी मदर उनकी शादी की तैयारियां कर रही थी। वो अपने बेटे को दूल्हा बना देखना चाहती थी, वो चाहती थी कि उनका बेटा घोड़ी चढ़े और वो अपने बेटे को घोड़ी चढ़े देखना चाहती थी। वो अपनी प्यारी सी बहू को घर लाना चाहती थी और दोनों सास बहू मिलकर अपना टाइम साथ में स्पेंड करना चाहते थे, बट ऐसा हो ना सका। उनकी ये आखिरी विश पूरी ना हो सकी और ये आखिरी विश अधूरी ही रह गई, जो उनके दिल में हमेशा उन्हें तंग करती रहेगी। हम सिद्धू मूसेवाला की मदर के साथ इस दुख में उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस दुख से निकलने के लिए स्ट्रेंथ मिले। आपको सिद्धू मूसेवाला की मदर की लास्ट विश के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।